फ्रेंड्स, बैंकिंग बंधु चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा टॉप अप लोन ऑफ इंडियन बैंक। इसको आईबी होम लोन प्लस के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि कौन एलिजिबल है, मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, क्या क्या कंडीशंस हैं, ये सब चीजें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी जानकारी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अपना डिसीजन लेने में काफी हेल्प करती है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या वैलिड पर्पस होता है होम लोन टॉप के लिए। बैंक कभी भी आपसे होम लोन टॉप अप लोन के बारे में ये नहीं पूछेगी कि आपने इसको पैसे को क्या करना है। बच्चों की एजुकेशन पे आप इसको खर्च कर सकते हैं, शादी ब्याह पे, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है उस पे, या अपने पुराने महंगे लोन को चुकाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी कंडीशन जो होती है वो होती है होम लोन के कस्टमर्स ही केवल टॉप अप लोन ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग होम लोन कस्टमर्स ही इसके लिए एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि दूसरे कोई लोन वाला भी ये ले ले। फिर कंडीशन क्या है कि आपके होम लोन को चलते 12 महीने हो जाने चाहिए और मोर्टगेज भी अवेलेबल होना चाहिए, मतलब आपकी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे फ्लैट है या और कोई, आपने प्लॉट लिया खाली, आप उसमें रह नहीं रहे हैं, अभी घर बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी रेडी होनी चाहिए और आप मॉर्गेजेबल होनी चाहिए। ये दो तरीके से मिलता है, ईएमआई वाला लोन यानी टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यानी जितना आप यूज करो उतने पे ब्याज दो। ब्याज जो रहता है इसके ऊपर जो जनरली रहता है वो आपके होम लोन का 0.5% ऊपर रहता है। ये समझने वाली बात है। आपको होम लोन मान लीजिए 7% पे मिला, होम लोन टॉप अप लोन जो रहेगा 7.5% पे आपको मिलेगा। मैक्सिमम कितना आपको मिल सकता है लोन, ये जानकारी आप ये देखिए कि मैक्सिमम आपको जो लोन मिलेगा आपकी इनकम के हिसाब से मिलेगा, वो कितना रहेगा आइए देखते हैं। मानिए आपकी इनकम 50,000 रुपये महीना है, तो आपकी ईएमआई ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपये हो सकती है। बाकी आपको 40% माने 20,000 रुपये घर परिवार भी चलाना है, उसके लिए चाहिए। तो आप ये जानिए कि 50,000 का 60% आपकी ईएमआई हो सकती है। फिर आ जाइए घर की वैल्यू क्या है। अगर घर की वैल्यू 50 लाख है तो 40 लाख ही टोटल में आपको होम लोन और टॉप अप लोन के रूप में दिया जा सकता है, इससे ऊपर नहीं देगी बैंक। फिर आइए कितने टॉप अप लोन आप ले सकते हैं, एक के बाद दूसरा दो टॉप अप लोन आप ले सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। मैक्सिमम 15 साल के लिए मिलता है, या जो आपका ओरिजिनल होम लोन है उसका जो टर्म बचा हुआ होगा दोनों में से जो कम होगा आपको उतने समय के लिए ही मिल पाएगा। जनरली इसके ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो ये होते हैं, जो आपके होम लोन के ऊपर चार्जेस हैं वही सेम, आप ये मान के चलिए कि सेम इस पे भी चार्जेस रहते हैं। स्टैम्प ड्यूटी, सरसाई, आपकी प्रॉपर्टी की सर्च माने टीआर रिपोर्ट, वैल्यूएशन, सारी चीजें वही रहती हैं जो होम लोन के ऊपर होती हैं। वैसे ही इसके ऊपर प्री क्लोजर, पार्ट पेमेंट, फोर क्लोजर निल रहता है, जैसे जनरली होम लोन में रहता है। फिर आप आ जाइए, एप्लीकेशन फॉर्म भी देना होगा आपको, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फिर सब वही बातें जो होम लोन में होती हैं वही की वही बातें आपको इसमें भी देनी है, वही कागज सेम रहेंगे। ये सबसे बड़ा और फायदे का काम है यहाँ पे।
होम लोन टॉप अप लोन का जो डिसबर्समेंट होता है, बैंक सीधा सीधा उठा के आपके सेविंग अकाउंट में डाल देती है, क्योंकि बैंक को इससे मतलब नहीं है आप इस पैसे का क्या करेंगे, पर आपसे एक अंडरटेकिंग लिया जाता है कि आप इससे कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे, आप इसको किसी भी वैलिड और जेन्युइन काम में ले सकते हैं। आपको जो चुकाना है पैसा, अगर मान लीजिए आपका इंडियन बैंक में अकाउंट नहीं है तो दूसरी जगह से ईसीएस आ जाएगा, अगर इंडियन बैंक में अकाउंट है तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जानकारी भरी लगी होगी, आपका फायदा हुआ होगा सुन के, तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, उनका डिसीजन लेने में मदद कर सकती है और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस चैनल पे फाइनेंस रिलेटेड, लोन्स रिलेटेड सारी अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। धन्यवाद।